Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. And what you see behind me is a clip. एक मिनट मैं क्या हो गया क्यों हंस रहा है तेज में बोल आराम से बोल सकते हैं यार. Hey guys, what's up? So what you see behind me is a compost zone जहाँ पे आज जो जो साइट पे जहाँ जहाँ काम हो रहा है मतलब इस साइट पे जहाँ जहाँ पे भी काम हो रहा है उस सबका जो वेस्ट होगा उसको लाके इस पिट में डाल दिया जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर गोबर डाला जाएगा. तो जब गोबर डाला जाएगा सो उसको छोड़ देंगे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें अपने आप ही डीकम्पोज हो जाएंगी और खाद में कन्वर्ट हो जाएंगी. दैट दिस इज़ फैसिनेटिंग कि हाउ एवरीथिंग इन नेचर नेवर गोज टू वेस्ट. लाइक जब हम प्लांट भी कर रहे थे तो हमें पता चला हाँ तू यहीं थूक लेना यार तू यहीं थूक ले यहाँ आ जाए इधर जा मेरे पास थूक ले तू पता मिलेगा. इट इज़ फैसिनेटिंग टू नो एंड टू एक्सपीरियंस दिस कि कुछ भी नेचर में वेस्ट नहीं जाता है. लाइक कुछ भी हो क्योंकि जब हम प्लांट कर रहे थे हमें रियलाइज़ हुआ और हमें पता भी चला मतलब वैसे दोनों सेम ही चीज़ है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है नेचर में. अजीत भाई जल्दी आज क्या हो रहा है? आज हमारा थोड़ा प्रोग्राम है तो कुछ लोग मतलब एक्स्ट्रा का जो काम चल रहा है ना तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं सजावट देख रहे हैं पूरा फिनिशिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे. तो आज जो होगा तो वॉलंटियर भी काफ़ी आएंगे तो वो प्लांटेशन करेंगे तो उनको भी ऐसे ही बताना कि प्लांटेशन कैसे होना खाद कैसे होना और ये तैयार कैसे कर रहे हैं इस पर हमने स्टार्टिंग से काम कैसे किया है तो काम करने में क्या क्या दिक्कतें आई है वो ये सब बताना है हम उनको. ठीक है और अभी आप काफ़ी बिजी लग रहे हो ठीक है आप कर लो काम. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज आने वाले हैं पीपल बाबा हमारे साथ में. सो पीपल बाबा इज द गाय हु हैज दिस गाय इज अ सैवेज ठीक है. ही हैज प्लांटेड ओवर 1 crore ट्रीज इन ऑल ओवर इंडिया एंड नाउ ही इज नॉट स्टॉपिंग मैन. ही हैज हिज ओन ट्रस्ट जिसके साथ में हम ये कर रहे हैं प्लांटेशन फॉर COVID-19 एंड ही इज जस्ट कमिंग टूडे. हमें पता भी नहीं था और आज ही इज कमिंग. हमें अभी आज हम आए रैंडमली हमें पता चला कि दैट ही विल बी कमिंग टू द इवेंट. सो लेट्स सी क्या होता है. आई हैव नो आइडिया मैं उनसे मिलूंगा भी या नहीं. मैं आई हैव नो आइडिया उस मोमेंट में जो होगा वो होगा बट आई वुड बी हैप्पी टू मीट हिम बिकॉज आई वॉज क्या कहते हैं मैं इनकी टेड टॉक आई वॉज इंस्पायर्ड प्लस आई वॉज वॉचिंग हिज टेड टॉक. सो इट वॉज मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी. टेक टॉक का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा ठीक है. उनका भी यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ उनका भी यूट्यूब चैनल है. Collaboration. So, collaboration with people, Baba. नहीं, this is not a collaboration with people, Baba. But yeah, so यही सीन था. अभी सब लोग सुपर बिजी हैं यहाँ पे ठीक है. हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ पार्ट कर सकें इनका इनको हेल्प कर सकें. सो यप अभी हम लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं बाकी लोगों के आने का उसके बाद हम लोग भी स्टार्ट करेंगे. और मैं इस वीडियो में बहुत बोल चुका हूँ लेट्स जस्ट कट टू द शॉट्स. मोहित शर्मा ने मेरे से इंस्पायर होकर अपना चैनल बनाया था फाइंडिंग मोहित. अच्छा तो प्लीज मेरे चैनल को भी देख लेना जरा ठीक है. जरूर. और मेरे से इसने सारी सीख ली है तो ये आपको बता देगा सब कुछ. आज टीचर्स डे भी है तो सर गुरुजी और टीचर्स डे आज. हां ओ या बेबी मामी आई लव यू फॉर एवरीथिंग. मामी देख लो आपका लड़का. अरे भाई इधर अभी हम थे इधर ऑलरेडी. आर एंसेस्टर्स आर गुरुजी वी शुड ऑलवेज से वन थिंग द फॉरेस्ट ग्रोज अंडर द सॉइल. दिस इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन.
the forest grows under the soil. If your soil is good, the forest is good. If the soil is healthy, flora and fauna will be always healthy. 80 to 90% of the vegetation will survive. 10 to 15% is a matter of choice from nature. It is basically... The land belongs to them, you know. We are the intruders. When they achieve a height of about 20 feet, most of the trees will achieve a height of 20 feet. Suddenly, we will see that certain canopies will grow, certain canopies will be snapped. Air, water, soil. They are the three pillars. Okay? It's like, you know, the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the... So, it's like that. So, apni ek mitti ki sarkar hoti hai. So, they will decide what to keep and what not to keep and what to discard. Okay? Like what we did in Noida, wherever, in Maharashtra we've done, Jammu Kashmir we've done. So, we planted about 40-45 species and ultimately only 15 to 17 species became dominant. So, now that is a natural process. We cannot interfere in that. So, whatever will happen, the magic will start happening after 2 years. Till that time, you will see a lot of greenery, you will see a lot of this thing, you know, you'll come, we'll photograph all the species over here. But suddenly, you will see the nature difference. Because once the birds start coming in, they, right, so they bring in a lot of seeds in their tummy. So the droppings will happen. When the droppings happen, so a lot of other species will come. So basically, the whole work here is going to be on soil. अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे प्लांटेशन स्टार्ट हुई है. लेट्स सी, आई वांटेड टू टॉक, लाइक आई वांटेड टू इंटरेक्ट मोर विद हिम, बट ही इज बिजी राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई कुडंट डू इट. एंड हमारा प्राइम फोकस आज का वैसे प्लांटेशन है, सो लेट्स, इट्स इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन दैट एंड देन आई विल सी टाइम कब मिलता है एंड देन आई टॉक, आई विल हैव अ मोर ब्रीफ कॉन्वर्सेशन विद हिम. इट्स नाइस मैन व्हेन यू मीट पीपल हु हैव done something for real in life, apart from उनके मतलब family को sustain करने से. मतलब एक चीज़ होती है ना यार कि हम life में पहले खुद की family को, पहले खुद को sustain करते हैं, फिर family को करते हैं, and then we think the life is मतलब वहीं तक सीमित है, but it's not that, it's more. So गीता में भी बोला गया है कि the great thing is a great human being or a good person, not a good person but a great human being is who, जो कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरों का, जो समाज में लोग रहते हैं उनका भी कल्याण करे. सो इज जस्ट दैट. आज का एम है 50 पेड़ लगाने का. देखो कैसे लग पाते हैं. हाउ इज इट गोइंग सर? गुड, वेरी गुड, वेरी एक्साइटिंग, नाइस. ईच टाइम आई एम प्लांटिंग अ ट्री देयर इज अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन. या every tree is going to make a difference, is the way I look at it. So, and the soil is incredibly dry and arid, so I've learnt about the magic of this cow dung manure. And so with this magic we hope the tree will make a difference to our planet, right? It will, sir, definitely. Our planet, wildlife, everything. How many trees you have planted yet? So far, I think this is about number 5, I think. Number 5? Yeah, 4 or 5, but really it feels nice. Is this your first time? No, you know, as a company, we do lots of this. So I think with Gimme Trees, for one event, we went to one local society park and planted lots of trees. Lovely. सर जब मैं कर रहा था सो आई फेल्ट लाइक आई एम डूइंग, जैसे एक पता नहीं बाकियों का होता नहीं होता, बट मेरे फ्रेंड्स में हमारा है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि काफ़ी लंबे समय तक याद रहे ऑन दिस प्लानट. ठीक है, और मेरे को हमेशा से लगता था कि कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ एकदम बड़े लेवल पर. बट जब मैंने एक प्लांट लगाया आई रियलाइज़ की ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा बड़ा करने की, आप एक प्लांट से भी उस चीज़ को सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज हम चले जाएंगे ये प्लांट रहेंगे. हमें नानी समझाया करती थी बड़ी प्यारी बात जो आप कह रहे हैं, उसी बात को आगे ले जाते हुए वो कहती कि देखो तुम एक किसी को खाना खिलाओगे, किसी को कंबल दोगे, किसी को खिलौना खरीद के दे दोगे, किसी को 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये,
वो मोमेंटरी होगा, वो मोमेंटरी है, वो इतना टेम्पररी है। ये जब आप लगाते हो तो 100 साल से लेके 500 साल, 500 साल से लेके 2000 साल तक, और उसके बीच में जो आप हैबिटेट्स क्रिएट करते हो उसके कारण ना जाने कितने कितने और वृक्ष और लगेंगे। Exactly. तो कभी ये मत सोचो कि आपने एक पीपल लगाया। जब आप एक पीपल लगाते हो तो अपने डायरी में लिख लेना 1 = 1000, आपने 1000 लगा दिया। आपका जिंदगी का सनराइज जैसा मर्जी हुआ हो लेकिन सनसेट बड़ा प्लेजेंट होना चाहिए, सनसेट, क्योंकि जो पूरी जिंदगी का सरमाया है ना। एंड एज यू गेट ओल्डर, एज यू एज इन लाइफ, आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आई हैव सीन इट ऑल, आई हैव डन इट ऑल, आई हैव गिवन इट 100%, और मैं जो कर सकता था मैंने किया।